इधर आपको एक अहम खबर देते हैं ज़िलहज के चांद से मुतालिक, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि ईद उल अज़हा कब होगी, और अब हतमी तौर पर पता चल गया है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जो जारी था वो ख़त्म हो चुका है। 1443 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में आज कराची में हुआ। इसके अलावा दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास हुए वो अब ख़त्म हो चुके हैं, इख्तिताम पज़ीर हो चुके हैं, जिसमें ये बात सामने आई है मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। यानी यकम ज़िलहज जुम्मे को 1 जुलाई को होगी, जबकि ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। आपको इधर अहम खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया है। 1 जुलाई को होगी, जबकि ईद उल अज़हा मुल्क भर में इतवार 10 जुलाई को जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। आपको बताते चलें, आज ये इजलास हुआ मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में हुआ था, और अब ये ख़त्म हो चुका है और मुल्क में कहीं से भी चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। और मुल्क भर में 1 जुलाई को, जबकि ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी।